हाय एवरीवन, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कतरी। इससे आप स्टार्टर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो वेजिटेबल्स की जगह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाती हूँ। आलू की कतरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पोटैटो की मतलब आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने 4 पोटैटो लिए हैं। इस तरीके से कोई भी पोटैटो ले सकते हैं। उसको हमने छील लिया है। छीलने के बाद उसको हम ऐसे स्लाइस में काटेंगे। बहुत ज़्यादा पतली स्लाइस नहीं करना है, थोड़ी सी मोटी रखेंगे। ज़्यादा पतली करेंगे तो वो टूट जाती है। इस तरीके से हम ऐसी कतली से काट लेंगे हम। और काटने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से पानी से धोना है, जिससे इसका स्टार्च निकल जाए। इस तरीके से जो हमने सारी बना के रखी हुई है ऑलरेडी, और पानी में हमने इसे 2 मिनट के लिए भिगा दिया, जिससे कि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। और अभी हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करके ऐसे हम निकाल लेंगे इसको अलग अलग। ये हमने 4 पोटैटो की बनाई हुई है। अभी एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को हम गैस ऑन किया। इसमें हम डालेंगे 2 स्पून करीब ऑयल। अभी थोड़ा वेट करेंगे हम ऑयल गर्म होने का। ये हल्का हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अभी इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हमने 1/2 स्पून ली है कलौंजी, 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून मेथी दाना, 1/2 स्पून राई और सौंफ। मेरे पास सौंफ का पाउडर है तो मैंने सौंफ का पाउडर लिया है। अगर आपके पास साबुत सौंफ हो तो आप सौंफ का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे राई, मेथी, जीरा, कलौंजी और सौंफ। अब थोड़ा इसको मसाले को हम, जब तक हमारी राई अच्छे से नहीं उठती है तब तक हम इसे हिलाना है। इसमें आप कलौंजी जरूर डालिए, कलौंजी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये राई और जीरा हमारा अच्छे से हो गए हैं। अभी इसमें हम पोटैटो डाल देंगे। इस पोटैटो में हम डालेंगे लिटिल हल्दी, थोड़ी सी डालना है हल्दी कलर के लिए, बस लिटिल सॉल्ट, जिससे कि हमारे पोटैटो है अच्छे से गल जाए, इसलिए हम सॉल्ट पहले ही डालते हैं। हमारे पोटैटो हल्के से गल गए हैं, ज़्यादा तो नहीं पर हल्के से गले हैं अभी। इस समय इसको और क्रंची बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 स्पून करीब चावल का आटा। चावल का आटे डालने से क्या होता है, ये इसमें क्रिस्पीनेस और अच्छी आ जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 स्पून ही डालना है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसे 5 मिनट और हम अच्छे से पकाएंगे एकदम स्लो फ्लेम पे।
और अभी इसको हमें कवर करके नहीं पकाना है, अगर हम कवर करके पकाएंगे तो ये सॉफ्टनेस सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं 2 मिनट और पकाना है, पर हमें इसे ओपन में ही पकाना है, इसे क्लोज नहीं करना है। अगर क्लोज कर देंगे तो इतने क्रंची नहीं बन पाएंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, इसमें हम और मसाला मिक्स कर देंगे। अभी इसमें डालेंगे लिटिल चाट मसाला, हाफ स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ स्पून ही ड्राई मैंगो पाउडर, लिटिल गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टमेटो का पाउडर। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पर देखिए, आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए पहले, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि टमाटर का पाउडर हम कैसे बनाते हैं। लिटिल टमेटो पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, सूखा धनिया, उसका पाउडर सूखा धनिया का। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले को। एक ही पोटैटो को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसी तरीके से इसे ओपन करके हम 2 मिनट और पकाएंगे, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये रेडी हो गई हमारी पोटैटो कतरी, देखिए कितनी अच्छी लगी है, खाने बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रंची बनी है। अभी इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, गैस को बंद किया और इसको अभी हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। देखिए कितनी क्रंची है ये। अभी इसमें डेकोरेशन के लिए ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया, हरा धनिया डाल देंगे। ये रेडी हो गई हमारी पोटैटो कतरी, खाने बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे आप स्टार्टर के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।